दोस्तों नमस्कार, ये जो हमारा ट्यूटोरियल है एडोब फ्लैश का है, और इसमें अब तक हमने जो किया है, पीछे मैंने इसका इंटरफेस के बारे में बताया था, जो छोटी मोटी बातें थी वो बताया था। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एडोब जो फ्लैश है उसके अंदर एक छोटा सा एनिमेशन कैसे तैयार करते हैं, ठीक है, 2D एनिमेशन, ना कि 3D, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपके पास आर्ट बोर्ड है, पीछे इसको आर्ट बोर्ड कह सकते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर बोलते हैं, ठीक है, या पेज बोल सकते हैं, जो भी आप कहें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी, या तो आप ड्रॉ करके खुद की अपनी ड्रॉइंग बना के उसको एनिमेट कर सकते हैं। देखिए, उस अगर मैं ड्रॉ करूँगा उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको एक एनिमेशन क्रिएट करके दिखाता हूँ छोटा सा, कि अडोब जो हमारा फ्लैश है इसके अंदर कैसे एनिमेशन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप यहाँ से इंपोर्ट कर लें कोई फाइल, अगर आपके पास PNG फाइल है 2D कोई भी, ठीक है, इंपोर्ट में जाएं यहाँ से, या फिर कंट्रोल आर से भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी, इम्पोर्ट एक्सटर्नल लाइब्रेरी, जहाँ से भी, ठीक है, आप ये दबा ले कंट्रोल आर, ठीक है। यहाँ से मेरे पास काफ़ी सारी फाइल है 2D की, मैं एक गाड़ी ले लेता हूँ यहाँ पे, कोई अच्छी सी देखते हैं कहीं मिल जाए, ये रही ये गाड़ी, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए गाड़ी जो मेरी काफ़ी बड़ी आई दोस्तों, ठीक है, थोड़ा इसका इसको छोटा कर लेते हैं साइज का, यहाँ से शिफ्ट के साथ दबाएँ, शिफ्ट बटन दबाएँ, और यहाँ से देखिए ये, ठीक है, ये छोटी हो जाएगी काफी। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये गाड़ी यहां से ऐसे चलती हुई दिखाई दे मुझे, ठीक है। तो ये एनिमेशन टाइमलाइन पे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे जब भी आप अडोब फ्लैश के अंदर काम करें, तीन चार बटन जो मेन काम आते हैं वो है F5, F6, F7 और F8 की, काफी काम आते हैं सबसे ज्यादा। मान लीजिए ये गाड़ी है, ये आपको ऐसे मूव करती दिखे कि यहां से यहां जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए एनिमेशन बनाना है, तो दोस्तों यहां पे जो हमारी गाड़ी है, ठीक है, मैं चाहता हूं इसको यहां पे आगे की तरफ लेके जाए। तो सबसे पहले क्या करें आप, F8 की दबाएं, यहां पे ये क्या होगा, कन्वर्ट टू सिंबल में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे सिंबल का आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, सिंबल 1 रखें तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप नाम भी दे सकते हैं। और यहां पे टाइप में आपको क्या रखना है, मूवी क्लिप रखना है, बटन करेंगे तो बटन की प्रॉपर्टी आई, ग्राफिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी शायद ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवी क्लिप है तो आप मूवी क्लिप रखें, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ओके कर दें दोस्तों, ठीक है, ओके कर दी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फ्रेम लेना, की फ्रेम यहाँ पे 29 फ्रेम पर सेकेंड, मैं चाहता हूँ कि एक सेकेंड में 29 फ्रेम मूव करे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 29 हो गए, ठीक है। अब मैं करता हूँ F6, F6 से क्या हुआ, ये कॉपी हो जाएगी, ठीक है, F6 ये यहाँ हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे खिसका देता हूँ यहाँ तक, ठीक है, एक बार फिर से, और मैं इसको F6 कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे 58 पे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं इसको F6 कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, फ्रेम तो हो गया हमारे पास, आप एक बार इसको रन करके देखना चाहे, रन करके देख सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से ये क्या है, देखिए अभी एक्यूरेट नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ से जंप किया, यहाँ से जंप किया यहाँ। मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर दिखाई दे, कि यहाँ से ऐसे चलती दिखाई दे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें, सॉरी यहाँ से इसको कंप्लीट को दोनों को सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से राइट क्लिक करें, और यहाँ से ऊपर जाएं, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ठीक है, ऊपर मोशन ट्विन भी है, क्लासिक ट्विन भी है, ठीक है, आप क्रिएट क्लासिक ट्विन करें यहां से, ठीक है। अब आप रन करके देखेंगे, देखिए आप ऐसा लग रहा है जैसे आपकी गाड़ी जा रही है, ठीक है, देखिए अगर आप लूप नहीं क्रिएट करना चाहते, ठीक है, लूप भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि ऐसा लगे आपकी गाड़ी यहां से यहां तक आपको रन होती दिखाई दे, ठीक है, कंप्लीट की कंप्लीट। तो देखिए यहां से रन करते हैं फिर से। तो दोस्तों ये होता है 2D एनिमेशन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।